नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं पूनम सिंह कथुरिया। सर, अब हम आते हैं लंग्स कैंसर पर। ये बीमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आजकल। इसकी मेन वजह क्या सिर्फ धूम्रपान है? लेकिन अगर हम देखें कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, फिर भी उन लोगों को ये बीमारियां हो जाती हैं, उसका होने का मेन कारण क्या है? देखिए, धूम्रपान नंबर वन कारण, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ जी। दूसरा, जो इनडोर एक्सपोजर, हमारा जो बायोमास फ्यूल जिसको हम बोलते हैं, जी सर, जो पुराने टाइम में जैसे गोसे जलते थे, लकड़ी जलती थी, उसमें सूट की मात्रा बहुत होती थी। वो अंदर जाता है, जलता है, उसी के साथ साथ कम्बस्चन और अनकम्बस्चन, तो कुछ पार्टिकल्स तो धुएं से होते हैं, उसमें गैस होती है या वेपर होता है, या कुछ आपका पार्टिकुलेट मैटर तो फेफड़े में जाके जमता था। इसी तरह से कई और तरह के एक्सपोजर, जैसे एस्बेस्टोस का एक्सपोजर है आपका, एस्बेस्टोस का एक्सपोजर आपकी ये जो छतें बनती थी, या ये आपकी जो ब्रिकिंग है उसके अंदर यूज हो जाती है, तो उससे अगर आपका एक भी कण अंदर जाए तो उससे फेफड़े से लगता हुआ जो झिल्ली होती है, मिजो प्लूरा बोलते हैं उसको, प्लूरा बोलते हैं, उसके अंदर कैंसर्स हो जाते हैं, मेसोथेलियोमास बोलते हैं उनको। पर लंग कैंसर का नंबर वन कारण आज भी स्मोकिंग है जी। लेकिन हाँ, उसके अंदर भी कैंसर एक वन टाइम फिनोमिना नहीं है, मल्टीपल हिट्स होते हैं उसके अंदर, जिसके कारण जो आपके कोशिकाएं हैं जिसको कि ग्रोथ को नियंत्रण में बॉडी खुद कर लेती है, वो बर्सर्क या हेवायर या अनकंट्रोल्ड हो जाती है, वो काबू से बाहर हो जाते हैं, तो उसके कारण कैंसर होता है। ये मुख्य कारण है। कुछ जगह पे रेडॉन गैस आती है, कुछ जगह पे रेडिएशन एक्सपोजर्स के कारण भी है, सो मल्टीपल फैक्टर्स विच आर देयर, लेकिन प्राइमरली जो है कंटिन्यूस टू बी स्मोकिंग। और ये साउथ अफ्रीका माइनिंग्स में और यूनाइटेड किंगडम में डॉक्टर्स की लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज में देखा गया है कि इंसिडेंस जहाँ जहाँ पे लोगों ने सिगरेट पी है, धूम्रपान किया है, लोगों ने उसको कम करने की भी कोशिश करी कि शायद हो जाए, बगैर सिगरेट बंद करे हुए हम इसका रिस्क कम नहीं कर सकते। जी जी सर, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? बड़ा सिंपल है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जहाँ तक हो सके बहनों को, इन पर्टिकुलर गाँवों के अंदर, हम हरियाणा में फॉर्चुनेट है कि हमारे पास मोर देन 90% पेनिट्रेशन है एलपीजी की पिछले काफ़ी सालों से। जी सर। तो इसलिए जो चीज़ें बायोमास फ्यूल जो हम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो सरकार की बहुत ही बेहतरीन उज्ज्वला योजना है, उसका आप फायदा उठाइए आप, और उसके अंदर कोशिश करिए कि जो सिलेंडर्स हैं, जो देखने में आया था कि लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉब्ली आप सिलेंडर ही नहीं खाने की टेक्निक चेंज कर रहे हैं, आप अपना भविष्य भी चेंज कर रहे हैं, उससे आप प्रोबेबिलिटी कैंसर होने की कम कर रहे हैं। जी सर, अब बात आती है टीबी की। टीबी, फिर से धूम्रपान, टीबी हो जाती है, ठीक भी हो जाती है, लेकिन क्या चांसेस हैं कि जैसे कैंसर होता है वो 5-10 साल के बाद दोबारा से हो सकता है, क्या टीबी भी ऐसे ही है कि वो 10 साल बाद या 15 साल बाद फिर से इंसान को हो जाए? देखिए पूनम जी, तपेदिक की बीमारी पुरानी है। हाँ जी। और क्षय रोग हम बोलते थे इसको अपनी भाषा में। हाँ जी। अंग्रेजी में इसको थायसिस बोलते थे कि आदमी पतला हो जाता है, जी, घुल जाता है अंदर से। एडवांस बहुत हुआ है, इलाज भी हो संभव है। और WHO ने तो ये कहा था कि 2035 तक खत्म करना है। जी सर। पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक चुनौती दी है डॉक्टर्स को और पूरे समाज को कि हमें 2025 तक करना है। उसके बहुत प्लसेस भी है, माइनस भी है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात हुई है कि उससे एक प्रेरणा स्रोत मिला सबको कि हमको इसके अंदर एक पॉलिटिकल विल होती है, वो मिली है। वो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आपके जवाब देने से पहले, क्योंकि तपेदिक एक बीमारी नहीं है। जी। तपेदिक एक आपके सामाजिक सोशल व्यवस्था को डिपिक्ट करता है, चेंज करता है। ये बात मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि विदेश, जहाँ भी आज तक वर्ल्ड के अंदर तपेदिक का इंसिडेंस कम हो पाया है, दवाइयों से नहीं हुआ है। जी। वो आपका सोशल स्ट्रक्चर के अंदर, सोशल आपका कितना वेलबींग हुआ है उसने डिसाइड किया है कि प्रदूषण कम हुआ, आपकी हाउसिंग क्राउडिंग से कम हुई। हाँ जी। उसके बाद आपका खाना पौष्टिक आहार हुआ। जी सर। क्योंकि अगर 10 आदमियों को तपेदिक का इन्फेक्शन होता है जी, तो उसमें से तपेदिक एक जने को होगी, 9 को नहीं होगी। तो 9 को क्यों नहीं हो रही है? हाँ जी। वो सोचने का विषय है
इस तरह से वाइटामिन डी मैंने आपको बताया सनशाइन बैक्टीरिया हमको कंसिस्टेंटली दिख रहा है कि जहाँ वाइटामिन डी के लेवल्स कम है टीबी का इंसिडेंस ज़्यादा है, जहाँ स्मोकिंग का इंसिडेंस ज़्यादा है वहाँ टीबी का इंसिडेंस ज़्यादा है, या डायबिटीज़ का इंसिडेंस ज़्यादा है वहाँ टीबी का इंसिडेंस ज़्यादा है, जहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है वहाँ टीबी का इंसिडेंस ज़्यादा है। जब हम ये भूमिका हमें पता है, जब इसका हमें बेसलाइन हमें पता है, जिसका हमें पृष्ठभूमि पता है कि हमें कैसे करना है, अब उसके बाद जो आदमी इलाज के लिए आता है, तपेदिक फैलती या टीबी फैलती खांसी के मरीज से है, छाती के रोग से है, और कहीं से तपेदिक नहीं फैलती जी। तो इसलिए मैंने जब शुरू में आपने पूछा था, एक तो कफ हाइजीन रखना प्राइवेट प्लेसेस में पब्लिक प्लेसेस में बहुत ज़रूरी है जी सर, क्योंकि खांसी जब आप करते हैं आप 3 से 6 फीट तक डिपेंडिंग अपॉन कितने फोर्सफुली किया है कीटाणु जा सकते हैं, और ये हवा में 6 से 12 घंटे रह सकते हैं जी। तो इसलिए कोई आदमी वहाँ से गुजरेगा तो वो उसको सांस के जरिए लेके तपेदिक हो सकती है। दूसरा हमने ये बताया कि कई तरह के जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो अगर आप अच्छा खाएंगे व्यायाम करेंगे और उससे इंसिडेंस कम होगा, खुली जगह में रहेंगे, खुले वातावरण में रहेंगे, अच्छी वेंटिलेशन रखेंगे, हाँ जी तो फर्क पड़ेगा। अगर आप पुराने टाइम में तपेदिक का इलाज देखिए तो सैनिटोरियम में होता था, सैनिटोरियम में क्या होता था, धूप अच्छी होती थी जी, वातावरण अच्छा होता था, वेंटिलेशन अच्छी होती थी, खाना अच्छा होता था, तो वो चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम होती है अगर आपका माल नरिशमेंट है, हाँ जी, अगर आपका खाना ठीक नहीं है, हाँ जी, वो आपको ताकत देता है, एनर्जी देता है, उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनने में आसानी मिलती है जी। दवाइयाँ आपके सवाल का कि टीबी दोबारा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर आपने पूरा इलाज ना कराया हो, बीच में छोड़ दिया है जी। या आपकी शुरू में इलाज के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई हो, पहले हमको ये लगता था कि सारा तपेदिक जो दोबारा होता है वो रिकरेंस होती है, कि जो कीटाणु पहले थे डॉर्मेंट पड़े हुए थे, सुस्ती में थे। कुंभकर्ण की तरह पड़े थे, एकदम जागते हैं, हाँ जी। लेकिन अब शोध ने ये बताया है जी, कि लगभग 100 में से जो जिनको पहले टीबी हुई है और अब दोबारा टीबी हो रही है, 100 में से लगभग 50 लोग में जी ये टीबी अंदर से दोबारा से उभरती है, हाँ जी। जबकि 50 लोगों में बाहर से दोबारा मिलती है। दूसरे बात का अभिप्राय ये है कि आप जिस एनवायरमेंट में जाते हैं वहाँ पे टीबी की गुंजाइश ज़्यादा रहती है, तो आपको दोबारा होने के ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसी तरह से अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो फिर आपको टीबी के, क्योंकि कीटाणु आपको तभी हमला करेगा, दुश्मन आप पे हमला तभी करेगा जब आप कमज़ोर होंगे। तो इसलिए अच्छा खाएं, शुद्ध वातावरण में रहें, हाँ तो आप, और जब दवाई लिखी जाए तो नित नियम से जब तक आपको बताया जाता है तब तक उसको पूरी तरह से लीजिए, तो उसमें चांसेस रिकरेंस के कम रह जाते हैं जी। सर साइंस ने तरक्की बहुत की है जी, जो हमारे अंग होते हैं ट्रांसप्लांट भी बहुत हो रहे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट ले लीजिए, लंग्स का अगर हम बात करें ट्रांसप्लांट जब करते हैं वो कितना सक्सेसफुल है, उसको होने के बाद एक इंसान की लाइफ कितनी एक्सटेंड हो सकती है। देखिए सबसे सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट आज के दिन प्रत्यारोपण, हाँ जी, जो हम बात करते हैं अंगों की, सबसे सक्सेसफुल गुर्दों का है जी, क्योंकि पिछले कई साल से मेरे अपने परिवार में ही 1-2 लोगों का गुर्दारोपण प्रत्यारोपण हुए, काफ़ी समय हो गया जी। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रियलाइज हुई है कि टेक्निकली लंग ट्रांसप्लांट सबसे डिफिकल्ट ट्रांसप्लांट्स में से एक है, हाँ जी सर, क्योंकि गुर्दों के अलावा लिवर ट्रांसप्लांट आज के दिन हिंदुस्तान में हर जगह हो रहा है, हाँ जी। लंग ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है जी, सिर्फ 2 या 3 सेंटर्स हैं जहाँ पे लंग ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, जबकि आप विश्वास नहीं करेंगी कि पहला लंग ट्रांसप्लांट संसार में 1963 में हुआ था जी, और हिंदुस्तान में अब शुरू हुआ है, खास तौर पे चेन्नई, जिसको हम पहले मद्रास बोलते थे, हाँ जी, कोयम्बटूर, और एक और जगह है जिसको कि हम हैदराबाद, यहाँ पे अब लंग ट्रांसप्लांटेशन शुरू हुआ है। सबसे बड़ी प्रत्यारोपण के अंदर आपको ऑर्गन्स की अवेलेबिलिटी की है जी सर। लिवर ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में सारे वर्ल्ड में कैडेवरिक होता है, मतलब मरणोपरांत जब हम लिवर निकालते हैं, हाँ जी, जो प्रत्यारोपित करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम लाइव डोनेशंस है, हाँ वो एक लिवर की एक खूबी है कि आप काटिए तो बढ़ जाता है, वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। फेफड़े के साथ ऐसा नहीं है, हाँ जी, और हम
एक अलाइव आदमी से नहीं ले सकते, हाँ जी, एथिकल भी नहीं है. इसलिए किडनी में भी हम कोशिश करते हैं कि कैडेवर रिनल ट्रांसप्लांट हो, बट अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लाइव डोनर होता है. लंग्स में वो दिक्कत वाली बात है जी. और इसीलिए पहले तो ऑर्गन अवेलेबिलिटी की बात है, दूसरा ट्रेनिंग की बात है जी, और इनके साथ साथ फिर संस्थाओं में संसाधन होने की बात है जी. सर इस समय हिंदुस्तान में अब लगभग पिछले साल लगभग 50 के करीब लंग ट्रांसप्लांट हुए जी. जब मैं बाहर था तो वहाँ पूरे विदेश में भी, यूके में भी 2 सेंटर्स थे जहाँ पे लंग ट्रांसप्लांट होते थे. अमेरिका में काफ़ी हैं. अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ. जैसे आज के दिन 5 साल पे गुर्दों के अंदर लगभग 90-95% सक्सेस रेट है. इसी तरह से लिवर की है, बड़ा अच्छा है, आपका ठीक होकर निकल जाता है. लंग के अंदर आमतौर पर धीरे धीरे बढ़ रहा है, 5 साल पे लगभग 65-70% के करीब सक्सेस रेट है, जो आदमी सक्सेसफुल लंग ट्रांसप्लांट हो जाता है. ट्रांसप्लांटेशन के अंदर इट्सेल्फ प्रोसीजर की काफ़ी मोर्टेलिटी है, लगभग 20% के करीब अभी भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेंटर्स के अंदर मोर्टेलिटी. लेकिन आप एक बार जब वहाँ से निकल जाते हैं तो लगभग 70% के करीब लोग 5 साल तक जीवित रह रहे हैं. हमने भी अपने 2-1 मरीज देखे हैं लंग ट्रांसप्लांट के रोहतक में, जो कि साउथ से करा के आए थे, और उनका फॉलोअप लगभग 3 साल के करीब का हमारे पास हो गया है. अभी ये रिलेटिवली कितना लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करेंगे, अब डाटा आना शुरू हो गया है वेस्ट से, खासतौर पर यूएसए से, कि लोग अब 8-10 साल तक जीने लग गए जी. सर जी, डॉक्टर चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सांस की बीमारियां इस समय अगर आप हार्ट की बीमारी को छोड़ दिए तो नंबर 1 कॉज है डेथ का, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, खासतौर पर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस. इसी तरह से COPD जो कि इस समय नंबर 3 कारण बन गई है संसार में डेथ का, और डिसेबिलिटी का, जिसमें मरीज को काफ़ी दिक्कत पड़ती है, और इन सब का एक मेजर कारण बुरा वातावरण, हमने बच्चों को घर में हो चाहे बाहर हो, या सिगरेट का सेवन या धूम्रपान, जिसको अगर मैं बोलता हूँ किसी भी फॉर्म में, वो रिस्पॉन्सिबल है. तो आइए हम ये प्रण करें कि हम अपना वातावरण साफ सुथरा बनाएंगे, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण दे के जाएंगे, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी परिस्थिति पैदा ना हो, और साथ ही साथ हम धूम्रपान ना ले करने का प्रण लें, ताकि ना तो हम खुद भी स्वस्थ रहें, बीमारी से मुक्त रहें, और अपने घर के अंदर जो धूम्रपान से होने वाले, जिसको हम सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स को दूर कर सके. अगर हम ये चीज़ें मान के चलेंगे तो हम कैंसर से, लंग कैंसर से मुक्त हो सकते हैं, हम हार्ट की बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, और हम एक स्वस्थ और अच्छा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, जो कि समाज और देश की प्रगति में हिस्सा बन सकता है. शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी, मुझे मौका देने.